हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन बाय आकांक्षा दुबे। सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि वैसे तो आपको पता है मैं हर चीज लाइक अभी तक जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, चाहे वो शॉपिंग ब्लॉग हो या ईटिंग का हो या कुछ और हो, वो हर चीज मैंने डे लाइट में शूट की थी। बट आज की जो वीडियो होगी वो नाइट में शूट होगी, क्योंकि आज मैं शाम को आज मैं जाऊंगी शाम में बाहर। ओके, सो या और अभी बज रहे हैं 7:15। सो या 7:15 हो रहे हैं शाम के, और आज संडे है। वीडियो आज तो अपलोड ऑब्वियसली नहीं होगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी रहने लगी हूँ। सो या ट्यूसडे तक कोशिश करूंगी वीडियो अपलोड करने का। सो आज मैं कहाँ जाऊंगी ये थोड़ा सा सरप्राइज है या नहीं बताई देती हूँ। चलो ठीक है, आज मैं जाऊंगी फरीदाबाद की द मोस्ट फेमस मार्केट सेक्टर 15, और वहाँ कैसा है, वहाँ पे शॉप करने के लिए है या नहीं वो दिखाऊंगी मैं आपको, पूरी रिव्यू दूंगी मार्केट का। साथ ही साथ मेन जो रीजन है वहाँ जाने का वो तो ये है कि मुझे बहुत टाइम से ना मोमोज खाने का मन हो रहा है। सो लास्ट टाइम मैंने वहीं पे मोमोज खाए थे और मुझे बहुत पसंद आए थे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मोमोज भी। सो और भी काफी सारी चीजें खाएंगे और मैं आपको पूरी मार्केट दिखाऊंगी। सो लेट्स गो। सो गाइस, जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, मेरी स्वागत के लिए बैठे हुए थे मेंढक साहब। जी हाँ, मेंढक, अंग्रेजी में इनको फ्रॉग कहते हैं। ये बड़े वाले साइज का मेंढक है। आप लोग को लग रहा होगा ये नकली है, बट ये नकली नहीं है, लिटरली ये असली है। बट पता नहीं ये क्यों कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है यार। सो गाइस, जैसे ही हम घर का दूसरा पड़ाव हमने पार किया, वैसे ही हमारी फूलमती यहाँ पे स्वागत के लिए बैठी थी। इसका नाम फूलमती है और ये डॉगी है, मेरे स्ट्रीट डॉग है। और कुछ डॉगीज ने, कुछ गंदे कुत्तों ने इसको मार दिया है। देखिए, आप लोग घाव देखा था आपने, और अब मैं कार में बैठे जा रही हूँ। मेरी डॉगी का नाम कैसा लगा आपको बताना। वैसे ये स्ट्रीट डॉग है, बट हम इसको खाना खिलाते हैं तो ये हमारे घर के पास में रहती है। गाइज, ये हम लोग पहुंच गए हैं सेक्टर 15 फरीदाबाद की बहुत ही ज़्यादा मशहूर मार्केट में, और मैं आज आपको दिखाऊंगी पूरी मार्केट। ये देखिए, मैं लॉक करना भूल गई थी कार को, सो मैंने फटाफट से लॉक कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ पार्किंग। कुछ लोगों को पार्किंग की अगर दिक्कत होती है तो आप लोग अपनी कार जो है पार्किंग में, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ही पार्किंग है, मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, लिखा हुआ है पार्किंग, और पर आर 10 रुपीज़ लिखा हुआ है साफ साफ, पर आर 10 रुपीज़। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर कार पार्क कीजिए। और ये देखिए, यहाँ पे शॉप स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे आपको A to Z सारी चीजें मिलेंगी, सारी की सारी, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो बुक्स हो, स्टेशनरी का आइटम हो। और सामने देख रहे हैं आप, वो बर्गर क्लब है, बहुत बड़ा शोरूम कह सकते हो, या जैसे बर्गर किंग होता है वैसे ही पूरा बर्गर क्लब है। आप वहां पे जाके बर्गर इंजॉय कर सकते हो। और ये देखिए, यहाँ पे शोरूम्स भी हैं, स्ट्रीट शॉप भी है, और जिनको छोटे बच्चों के कपड़े लेने हैं, बड़ों के लेने हैं, सारी टाइप की मार्केट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए। और अगर फरीदाबाद में रहते हैं तो जरूर आइएगा। ये देखिए, यहाँ पे गर्ल्स के आइटम है, हेयर बैंड, हेयर क्लिप्स, क्लचर्स, सब कुछ है। कितने सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे हैं। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सब कुछ खरीदूं, बट अफसोस अब हम बड़े हो गए हैं तो इतना यू नो फैंसी से लगाते नहीं है। बट ये देखिए, यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी मिलेंगे आपको, और बुके भी हैं। सो बहुत सारा आइटम है यहाँ पे। सो अब आप पूरी इंजॉय कीजिए मार्केट। ये देखिए गाइज, यहाँ पे आपको ऊपर के लिए और नीचे लोअर प्लाजो पजामे टाइप मिल जाएंगे। ये देखिए, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और ये लाश पतंगर पार्ट 2 है, जैसा कि आपको पता है मैंने ब्लॉग देखा है। अगर आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा, लाश पतंगर मार्केट वाला, पूरा व्यू दिया है, रिव्यू मैंने दिया है लाश पतंगर मार्केट का, जाके देखिए। अगर नहीं देखा है तो आइटम में आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वैसी ही सेम मार्केट ये है लाश पतंगर पार्ट 2, यहाँ पे भी A to Z मिलता है सब कुछ। और ये देखिए, लोग भी यहाँ पे शॉप कर रहे हैं। सो गाइज, अगर आप वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और फरीदाबाद में रहते हो तो ये मार्केट सेक्टर 15 की जरूर आना, और अगर नहीं रहते हो तो भी आना।
मार्केट में कितनी ज्यादा भीड़ है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, साथ ही साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। ऐसे में मैं इतनी भीड़ में आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, इतना रिस्क ले रही हूँ, उसके लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ अच्छा अच्छा कॉमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो गाइज, हल्दीराम्स के लिए आपको सीधा क्राउन इंटीरियर भागने की अब जरूरत नहीं है। आपके आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फरीदाबाद के सेक्टर 15 मार्केट में भी हल्दीराम्स है, तो आप लोग यहां आकर भी इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, वाव मोमोज का तो सबने नाम सुना ही होगा। लास्ट टाइम जब मैं इस मार्केट में आई थी तो मैंने वाव मोमोज के जो बर्गर मोमोज है वो ट्राई किया था, जो कि माशाल्लाह बहुत टेस्टी था। बट आज मैं आपको रोड के उस पार ले जाकर दिखाऊंगी कि वहां पर हम लोग टेस्ट करेंगे वहां का खाना कैसा है। सो गाइज देखिए, मैंने वहां से रोड क्रॉस करके इस रोड पे आ गई हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं इस शॉप के मोमोज ट्राई करूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा क्राउड दिख रहा है। तो आई होप जो मोमोज हैं, जो भी फूड है, वो टेस्टी होगा। सो गाइज, मोमोज तो हम लोगों ने खा लिए हैं, बट अब हम लोग बढ़ते हुए बच्चे हैं ना, इससे हम लोगों को भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है। और वैसे भी आपको इस मार्केट में सारी स्ट्रीट जो खाने की हैं वो मिलेंगी, और सच में बता रही हूँ फूड जो है वो बहुत टेस्टी होता है। तो मैं यहाँ पे इस शॉप में आ गई हूँ वेज रोल लेने। और ये देखिए, मैंने पूरा व्यू दिया है आपको मार्केट का, यहाँ से बहुत सही लगती है मार्केट। और इसके साइड में आप देखेंगे तो अब यहाँ से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा आपको दिखाना ज़रूरी होता है, जो मेरी प्यारी प्यारी डियर डियर आंटीज़ हैं वो यहाँ पे आएँ और सोचें कि सब्जी नहीं मिलती है, फ्रूट नहीं मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। जैसे मेरा नचल का नाम है ऑल इन वन, वैसे ही ये मार्केट का नाम भी मैं सोचती हूँ कि इसको भी ऑल इन वन मार्केट कहना चाहिए। सो ये देखिए, यहाँ पे आपको गाड़ी सामने खड़ी करके और सामने ही ऑर्डर देके गाड़ी के अंदर बैठकर जो है फूड इन्जॉय कर सकते हैं। स्ट्रीट शॉप के साथ यहाँ पे आपको बड़े बड़े इस टाइप के शोरूम्स भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप सूट लहंगा भी परचेस कर सकते हैं। मैंने कभी पर्सनली ट्राई नहीं किया, ऑनेस्टली बता रही हूँ, बट अगर देखने में क्वालिटी तो अच्छी लगती है, कभी ट्राई करके देखूंगी, फिर आपको रिव्यू ज़रूर दूंगी यहाँ के कपड़े क्वालिटी कैसी है। बाकी यहाँ पे जैसा कि लाजपत में होता है, वैसे ही सेम मार्केट ये भी है। सो गाइज, हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली और खा पी भी लिया, एकदम झिक्के, एकदम मस्ती से, एकदम फर्स्ट क्लास खाना था, बहुत टेस्टी था। और अब हम लोग आ गए हैं वापस घर। शॉपिंग मैंने क्या की वो मैंने आपको नहीं आपके साथ शेयर किया, क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है और मैं पर्सनल चीज़ें वीडियो में फ़िलहाल शूट नहीं करती हूँ, जैसा कि आपको पता है, ऑलरेडी सारे व्लॉग्स में आपने देखा होगा। अब हम लोग जा रहे हैं घर। दैट्स इट आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, रिव्यू कैसा लग रहा है, और आगे किस टाइप का कंटेंट आप लोग देखना पसंद करेंगे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।